मॉडल अभिनेता शायन मुंशी का सच हमने साल 2006 में दिखाया था। स्टिंग ऑपरेशन में शायन का झूठ कैद हुआ था। पुलिस से शायन ने कहा था कि मनु शर्मा ने जेसिका की हत्या की थी, लेकिन कोर्ट में शायन ने कहा था कि उसे हिंदी नहीं आती है और पुलिस ने उससे क्या लिखवाया था उसे पता नहीं। लेकिन खुफिया कैमरे में ना सिर्फ शायन हिंदी बोलते और समझाते कैद हुए, बल्कि ये तक माना कि जेसिका की हत्या मनु शर्मा ने ही की थी। आप भी देखिए साल 2006 में प्रसारित हुई उस रिपोर्ट का हिस्सा। सबसे पहला चश्मदीद शायन मुंशी, एक मॉडल और जेसिका का गहरा दोस्त। जेसिका के कत्ल के बाद पुलिस को शायन ने बताया कि मैं मौके पर मौजूद था। एक सफेद टी शर्ट पहने लड़का आया और उसके साथ दो तीन और लोग भी थे। सफेद टी शर्ट वाले लड़के ने जेसिका को गोली मारी और अपने साथियों के साथ खिसक गया। शायन मुंशी का यह था पुलिस को बयान, लेकिन अदालत में उसने क्या बताया आप सुनिए। सफेद टी शर्ट वाले ने हवा में गोली चलाई और जेसिका पर गोली किसी और ने चलाई, लेकिन किसने ये मैं नहीं देख पाया। पुलिस ने मुझसे जो लिखवाया उसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता। लेकिन तहलका और स्टार न्यूज के खुफिया कैमरे का सामना हुआ तो शायन मुंशी के मुंह से वो निकला जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पुलिस को बयान, अदालत में पहले बयान से मुकरना, लेकिन खुफिया कैमरे में क्या कहा ये हम आपको आज दिखाएंगे। थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ा प्यार। सबसे बड़ा खिलाड़ी शायन मुंशी, उम्र तकरीबन 28 साल, पेशा मॉडलिंग और एक्टिंग। जेसिका लाल केस में हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि शायन मुंशी तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि मुंशी इस बारे में मीडिया से बात तक नहीं करते, किसी की पकड़ में नहीं आते। अक्सर काम में फंसे रहने वाले मुंशी से मिलना आसान नहीं था, लिहाजा हमने शायन से उन्हीं के अंदाज में उनका मुंह खुलवाने की सोची। हमने शायन को फोन किया कि एक इंडो ब्रिटिश फिल्म के लिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमने खुद को लंदन के एक निर्माता का प्रतिनिधि बताया। शायन मुंशी को शायद बढ़िया काम की आस लगी और उन्होंने फौरन ही मिलने का वादा कर डाला। जगह तय हुई। मुंबई के जुहू में एक 5-स्टार होटल। दिन शनिवार 23 सितंबर, समय शाम 7 बजे। स्टार न्यूज के तहलका की संवाददाता हरिंदर बवेजा अपनी एक विदेशी सहयोगी जेन के साथ शायन से मिलने पहुंची। हम जेन को लंदन का निर्माता बनाकर ले गए थे। हमें ताज्जुब हुआ कि शायन को मिलने की जल्दी हमसे ज्यादा थी, क्योंकि वो तय वक्त से 10 मिनट पहले वहां पहुंच चुका था। हम लोग रेस्टोरेंट के एक रिजर्व टेबल पर पहुंचे, बातें शुरू हुई। हमने पहले फिल्म के बारे में ही बातें की, स्क्रिप्ट पर चर्चा हुई। सबसे पहले हम जानना चाहते थे कि शायन की हिंदी कैसी है, क्योंकि जेसिका केस में उन्होंने अदालत को बताया था कि वो हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि पुलिस ने उनसे क्या पूछा था। हम जल्द से जल्द ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई शायन हिंदी नहीं जानते हैं। असल मुद्दे पर हम कब आएंगे ये हम तय करके आए थे। जेन और हमारे बीच तय हुआ था कि वो 15 मिनट बाद कोड वर्ड में पूछेगी, व्हाट्स हिज हिंदी लाइक। ऐसा बोलते ही हम शायन को अपने जाल में फांसते। वो वक्त भी आ गया जब हम आने वाले थे अपनी तहकीकात पर। उस सच से पर्दा उठाने के लिए हम तैयार थे जो शायद शायन किसी को बताना नहीं चाहते थे। जब हमने कुरेद कुरेद कर शायन से सवाल किए तो शायन का भी मुंह खुल ही गया। How is this Hindi? Come on, Shamanadam, help me here. This new film which I've just done right now, Amistad. You can hear my Hindi, in case you want a little reference. But it's fine. It's absolutely fine.
हिंदी में मैं बात कर लूँ आपसे He wants to know if he can speak to you in English for a few minutes. Please, would you? Yes. I want Lily to hear the shape of your voice. If she, so I could remember it well. Tell me, speak. क्या कहूँ मैं आपसे? हाँ. क्या कहूँ मैं आपसे? कुछ भी बयान करिए आप उनको. मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने और उम्मीद यही रख रहा हूँ कि ये फिल्म मैं कर पाऊँ आपके साथ. क्योंकि अभी अल्लाह चाहे तो मैं I'm sorry, I think she wants a little more. Mm. A little more, or you want to understand what I said? No, tell me, speak some more, tell me more. वही सोच रहा हूँ कि क्या बात करूँ आपसे. सम फिल्मी डायलॉग तो क्या, फिल्मी डायलॉग तो नहीं कह सकता हूँ पर अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात हो गई. आप आए हैं बहुत दूर से. हमारा मिलना शायद लिखा था इसलिए हम मिल रहे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं और शायद एक साथ काम भी कर लेंगे. इसे सुनने के बाद कौन कह सकता है कि शायन मुंशी की हिंदी खराब है. हिंदी छोड़िए, शायन को तो कई बोलियों तक की अच्छी जानकारी है. खुद शायन इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने हिंदी स्कूल में पढ़ी है. Then I did my A-levels, so I changed things out a little bit in Calcutta, Myanmar. Do you have, what subsidiaries do you have in Myanmar? So like, I grew up, you know, learning choices between Hindi and... Hindi, Bengali and English. Oh, you came... Yeah, Hindi, Bengali and English. All through, right? Yeah. That's what? Yeah. No. 3 years. 2 years. हमें हैरानी तो तब हुई जब शायन ने हमें हिंदी का व्याकरण तक समझाना शुरू कर दिया. There's a thin line again between Bengali and Hindi, yet there's a distinction. The only difference is that in Bengali we don't have any genders. Like in Hindi, even things have a masculine gender or a feminine gender. Do you understand? Yes. Like a car is feminine gender. Gari aati hai. Countries also have like masculine and feminine. Okay, like Italian. Yeah, well. आपने खुद देखा शायन कितने फर्राटे से हिंदी बोल लेते हैं. हिंदी की अलग अलग बोलियों का फर्क भी शायन भली भांति समझते हैं. लेकिन जब जेसिका के कातिलों को सजा दिलाने के लिए पुलिस को उनकी गवाही की जरूरत पड़ी तो शायन ने ये कहकर मामले को रफा दफा कर दिया कि उसे हिंदी आती ही नहीं. शायन का हिंदी ज्ञान पता करने के बाद बारी थी ये जानने की कि आखिर क्या हुआ 29 अप्रैल 1999 की उस रात जब टैमरिन कोर्ट में जेसिका लाल की हत्या हुई थी. तो शायन का जवाब कुछ यूं था. All these people, all people involved, these guys are not, they can't even touch these guys. Look at what's happening. They're running around with Kenya. Why the hell are they running around with Kenya? Cops are making all this issue about catching her and putting her in. The world knows it's Manish Sharma, right? Then why is the world not doing something about it? Why are they beating around the bush? तो मुंशी ने साफ साफ कहा कि सारी दुनिया को पता है कि जेसिका को किसने मारा मगर कोर्ट में खुद मुंशी ने उसका नाम नहीं बताया. यहाँ भी मुंशी उस शख्स का नाम बताने से कतरा रहे थे. हमने हत्या के मुख्य अभियुक्त मनु शर्मा का नाम लेकर शायन की ओर इशारा किया. शायन ने मनु शर्मा के नाम को सुनने के बाद भी सिर्फ इतना कहा कि सारी दुनिया जानती है कि असली अपराधी कौन है. यही नहीं, शायन तो यहाँ तक कहते हैं कि वो बड़े ही पावरफुल लोग हैं. शायद इसी पार ने मुंशी को सच बोलने से रोके रखा है. हालांकि जेसिका की बहन सबरीना का मानना है कि मुंशी की पलटने के पीछे सबसे बड़ी वजह पैसा है. Major financial inducement was put into play because everybody, you know, says, oh, how can you blame the boy? You know, he must have been scared for his life. He was young.
the attitude of somebody scared and the attitude of Shai Munshi pulls apart. The boy, when he walks into court to give his testimony, extremely confident. जेसिका लाल हत्याकांड में जिस गवाह के मुकरने से पुलिस के केस को सबसे ज्यादा धक्का लगा वो था शायन मुंशी। बाकी दो चश्मदीद गवाहों ने तो सिर्फ मौकाए वारदात पर मौजूद होने से इनकार किया, लेकिन शायन ने तो अदालत में न सिर्फ मनु को पहचानने से इनकार किया बल्कि बचाव पक्ष की इस दलील को भी मजबूत किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद दो अलग अलग बंदूकों से गोली चली थी। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने शायन मुंशी के गलत बयानबाजी के आरोप में शायन मुंशी पर फिर से केस चलाने की सिफारिश की है। निचली अदालत में फैसला किया है ये, तो निचली अदालत में ये केस अब शायन मुंशी पर चलेगा।